क्या आप जानते हैं मुंबई में एक 150 साल पुरानी मार्केट है जिसे हम सब चोर बाजार के नाम से जानते हैं। इस मार्केट की एक स्पेशलिटी है कि एवरी फ्राइडे यहाँ पर एक सीक्रेट मार्केट लगता है जो कि रात भर चलता है। मेरा ये मिशन है कि मैं इंडिया के ऐसे ही रिच हिस्ट्री और हिडन फैक्ट्स के ऊपर एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज जर्नी। एक्चुअली चोर बाजार के ऊपर काफ़ी सारी स्टोरीज है। इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कहता है कि एक बार क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया जब इंडिया में आई, उसका एक बहुत ही प्रेशियस वायलिन हुआ करता था जो कि मिसिंग था। तो जब ही पूरे मुंबई में ढूंढा गया तो उसको यहाँ पर पाया गया। तो इस वजह से इसको, क्योंकि यहाँ पर सब चोरी का सामान बिकता था, इस वजह से इसको चोर बाज़ार ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्वीन विक्टोरिया कभी इंडिया आई ही नहीं, तो कैसे उसका वायलिन चोरी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे फेक स्टोरीज़ भी है। तो एक्चुअली ये जो मार्केट है चोर बाज़ार, इसे पहले पहले बोला जाता था शोर बाज़ार, जो कि एक नॉइजी प्लेस है। इस वजह से तो जब ही ब्रिटिश ज़माने में कोई भी ब्रिटिश बोलता था तो चोर को शोर बना देता था, जिससे एक इंग्लिश में एक एक्सेंट की वजह से इसका नाम चोर बाज़ार पड़ा। Thank you.
दोस्तों बहुत ही अच्छा विजिट रहा मेरा। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, सुबह 5 बजे मैं लगभग यहाँ पर आया था और काफ़ी मैंने मार्केट में वॉक किया और देखा कि जो भी फैशनेबल प्रोडक्ट्स है जो कि हम लोग पहनते हैं, जीन्स बोलो, टी शर्ट्स बोलो, शूज़, चप्पल, ये सब तो बहुत अच्छे रेट्स में वगैरह मिल रहे हैं। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी एकदम सस्ते में कपड़े अगर फैशनेबल प्रोडक्ट्स जो लेना चाहेगा वो यहाँ पर आके देख सकता है, लेकिन शर्त ये है कि फ्राइडे को सुबह जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि 7-8 बजे तक ये मार्केट ख़त्म होने को लगता है। और दूसरा भी एक सेक्शन था जो कि इलेक्ट्रॉनिक का था, तो ज़्यादातर जो वो कह रहे थे कि विंटेज प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कैमरा है, मैंने देखा एक बहुत पुराना कैमरा था जो कि चल नहीं रहा था, बट वो किसी को अगर कलेक्शन के हिसाब से रखना है, टेलीफोन है, एक गिटार है, तो बहुत ही वैसे वैसे जो प्रोडक्ट्स है, काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको देखना रहना है कि कहाँ पर आपके हिसाब का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल हो। सो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन चोर बाज़ार के ऊपर, मैंने अर्ली मॉर्निंग विजिट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करो और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी करो जिसको भी विजिट करना हो ये मार्केट। मैं मुंबई के ऊपर एक पूरी सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ जैसे जिस पे मैं अलग अलग जगहों पे जाके उसकी हिस्ट्री और उसके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सिंपल लैंग्वेज में आपको एजुकेट करूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से जगह पे बनाऊँ। सो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं और भी वीडियोज़ में पोस्ट करने वाला हूँ। अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं मिस करना चाहते हो तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आप सब्सक्राइब करो, बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन करो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।